से शिक्षक और स्नातक निर्वाचन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस मतदान के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी नागरिकता का परिचय दिया। वहीं जब भोगांव में सपा कार्यकर्ता और उनकी टीम से उनके प्रत्याशी की जीत की उम्मीद को लेकर जब उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने बहुत ही भरोसे के साथ बताया कि उनके प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। वहीं एमएलसी चुनाव के दौरान करैल क्षेत्र में सपा व भाजपा समर्थक में जमकर विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि विवाद के दौरान फायरिंग हुई, जिसके चलते चुनाव के वक्त भगदड़ मच गई। वहीं इस फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति घायल भी हो गया, जिसका उपचार अभी जारी है। भाजपा में जी, भाजपा के प्रत्याशी यहाँ जो स्नातक क्षेत्र के डॉक्टर मनमोहन सिंह और शिक्षक क्षेत्र के डॉक्टर दिनेश वशिष्ठ, ये दोनों ही विजयी होने वाले मतदाता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो सराहनीय कार्य हुए, उन कार्यों से पूरा प्रदेश पूरा देश प्रभावित है। भाजपा विजयी होगी भारी बहुमत से, दोनों प्रत्याशी पूरा भरोसा है आपको, पूरा विश्वास। एक सवाल और है मेरा, क्योंकि आप आबकारी मंत्री हैं, एक जहरीली शराब का एक अहम मुद्दा बना रहता है, हालांकि अभी लोगों में भी पुलिस प्रशासन ने छापा मारा था, लेकिन फिर भी ये पूर्ण तरह नहीं रुक पा रही है, तो इसके लिए किस तरह से कदम उठाने चाहिए? सब जगह चेकिंग हो रही है, दुकानों की भी चेकिंग हो रही है, और जो वैसी बिना लाइसेंस ही बनाते हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा रही। जो अब जो आपके प्रत्याशी अभी जो मैदान में है, तो उनसे क्या आपको उम्मीद है? निश्चित रूप से हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे माननीय मंत्री आदरणीय राम नगर विकास कार्य किए हैं, तो सारे लोगों के स्नातक लोगों के भी भले की लड़ाई लगातार सरकार लड़ती रही है, निश्चित रूप से हम लोग जीत रहे हैं आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में। आपके जो प्रत्याशी मैदान में, तो क्या उनसे उम्मीद है? पूरे देश में और प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनहित के कार्य किए हैं, हमें पूरा भरोसा है कि जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर ही अपना भरोसा जताएगी। आज जो आप बोर्ड पढ़ रहे हैं, जो आपके प्रत्याशी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनकी जीत के बारे में?